आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं मोनीब खान। दिल्ली नगर निगम चुनाव की खास कवरेज पर आज हम पहुंचे हैं कृष्णा नगर इलाके में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अनिल गोयल जी। डॉक्टर अनिल गोयल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्णा नगर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि कृष्णा नगर विधानसभा में चार वार्ड आते हैं, जिसमें अनारकली वार्ड, घोंडा वार्ड, कृष्णा नगर वार्ड और गीता कॉलोनी वार्ड शामिल है। इसमें पिछली बार जो नगर निगम चुनाव हुआ था, इसमें चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। हालांकि कुछ समय पहले जो कनारकली वार्ड से जो निगम पार्षद थी, उसने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। हम बात करते हैं अनिल गोयल जी से कि आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में इनकी क्या जिम्मेदारी है। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर अनिल गोयल विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रह चुके हैं। अनिल गोयल जी, नगर निगम चुनाव है, ऐसे में क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि 15 साल से आप लोग लगातार शासन कर रहे हैं नगर निगम में। आपको लगता है कि 15 साल का कार्यकाल जो है वो बेहतर रहा है और एक बार फिर यहाँ की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के पिछले 5 साल के कामों पर जाएंगे, कृष्णा नगर या पूरी दिल्ली उसके कामों पर जाएंगे। आप देखते हैं खत्ते हैं, ख़त्म हो गए हैं। हम वेस्ट मैनेजमेंट पर जो काम हो रहा है, जो कि सीधा सीधा टिपर से उठाकर वो डालते हैं कॉम्पैक्टर में, कॉम्पैक्टर से ट्रक में और ट्रक से जाता है डिस्पोजेबल साइड में, मतलब ज़मीन पर कूड़ा गिरता ही नहीं। हम एक पॉजिटिव काम पर जाएंगे, हम जाएंगे कि ऑनलाइन बर्थ डेथ सर्टिफिकेशन हो रहा है या कोई आपको बिल्डिंग बनानी है, रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन, 105 गज से कम है उसको ऑनलाइन कर सकते हैं आप। हम जाएंगे कि किस तरह की यहाँ की लाइट्स हैं, सारी सफ़ेद लाइट कर दी गई हैं और वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट और 24 घंटे उसकी हेल्पलाइन है, कहीं कोई बिजली ख़राब होती है। हम जाएंगे कि जो जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी जो व्यवस्था हुई है, इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है, जो MCD का काम है और कुछ तो जो 4-स्टोरी बन रहे हैं, जैसे कृष्णा नगर में पार्किंग के बगल में बन रहे हैं या राधेपुरी में बन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे गीता कॉलोनी में बन रहे हैं, वो स्कूल्स बन रहे हैं 4-स्टोरी जो कि प्राइवेट से कंपेरेबल है, मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, हम उसके लिए जाएंगे। एक पॉजिटिव काम जो किया है उसके लिए जाएंगे और भ्रष्टाचार का कोई ऐसा दाग नहीं हमारे किसी पार्षद पर जो ये कहे कि इन पर भ्रष्टाचार का हो लांछन। लेकिन भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार को ही लेकर घेरने में जुटी है भारतीय जनता पार्टी को। उनका कहना है कि निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार है, हर काम बिना पैसे के नहीं हो पाता और जो भाजपा के नेता हैं वो जो निगम की जो प्रॉपर्टी है उसको प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं या खुद अपने रिश्तेदारों को सौंप रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की नीति रही है जब से 7 साल में इसका जन्म हुआ है कि एक फाइल लेके चलना और शूट एंड स्कूट, कहा शीला दीक्षित सबसे ज़्यादा भ्रष्ट आते ही उसको जेल में कर देंगे। आज तक शीला दीक्षित पर आरोप कोई प्रूव हुआ? वो थे फाइलें थी, कहाँ चली गई? ऐसे बहुत सारी जगह इन्होंने आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार है और बाकी जाकर कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़े। ये तो इनकी रीति नीति है जो कि भाजपा की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है, सेवाएं जिसको हम भावना कहते हैं। दूसरा, मैं जानना ये चाहता हूँ कि आप बताओ कि दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़ रुपए, उसके कर्मचारी हैं 25,000, इसका बजट है 5-6,000 करोड़ रुपए MCD ईस्ट का, उसके हैं 24-25,000, तो उसको वो 5-6,000 में काम भी कर रहे हैं और ग्रोथ भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था, वेस्ट मैनेजमेंट एट्सेट्रा कर रहे हैं, तो इसमें भ्रष्टाचार यहाँ है कि वहाँ है? जहाँ 60,000 करोड़ रुपए का लॉस वो दिल्ली जल बोर्ड पर लोन दिया हुआ दिल्ली सरकार ने, जबकि सब्सिडी है 4-5 हज़ार करोड़ की, तो पैसा गया कहाँ? तो कर्मचारी की बात की, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी जो हैं उनको वक्त पर पैसा नहीं मिल पाता और वो कर्मचारी भी वोटर है, तो आपको क्या लगता है ये नाराज नहीं होंगे? जी, तो उनको भी ये मालूम है कि जितनी भी कोशिश MCD अपने फंड से कर सकती है वो करती है, लेकिन 12.5% जो 13,000 करोड़ रुपया MCD का दिल्ली सरकार पर बकाया, 12.5% देना होता रेवेन्यू का, वो नहीं दे रहे। ये सिर्फ राजनीति है जो दिल्ली सरकार पैसा देती है। जब हड़ताल होती है तो आपने देखा होगा वो दिल्ली सरकार कुछ पैसा देती है, चलो 2,000 करोड़ दे दिया। वो इस तरह से दिल्ली सरकार ही MCD को पंगू बनाने में लगी हुई है। उनकी नौकरी का अगर सैलरी नहीं मिल रही तो दिल्ली सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, ना कि MCD। आपको लगता है कि ये बात जो आप बता रहे हैं वो आप जनता तक पहुँचा पाएंगे? अब हम इस पार्क में खड़े हैं, आप देखिए वहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा महिलाएँ हैं, हम उनको यही पहुँचा रहे हैं कि ये जो
हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं या जितनी दे पा रहे हैं वो हम हमारे रेवेन्यू लिमिटेड हैं। दिल्ली सरकार को जो हमारा 12.5% देना वो नहीं दे रही, उसके कारण ये समस्या आ रही है। हम ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार की नाकामी में आप वहाँ पूछो पानी आ रहा है क्या? एक घंटे दो घंटे आता फ्री के नाम पर, गंदा पानी आता, सब आर ओ या खरीद कर पी रहे हैं या मोटर चला कर पी रहे हैं। कहाँ है भैया पानी, आप बताओ ना। दिल्ली सरकार पर आप, दिल्ली सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं। अगर हम कृष्णा नगर की बात करें तो जिस तरीके से आपके यहाँ पार्किंग में लोडिंग अनलोडिंग चल रहा है वो पूरी तरीके से आपके हाथ में है। कई सारे टॉयलेट है उसमें ताला लगा है, वो भी आपके हाथ में है। अगर हम बात करें जो कूड़े से बिजली बनाने वाला संयंत्र है वो भी हाथ में है, जो कि पूरी तरीके से बंद है। उस पर आपके जो पार्षद हैं वो उस पर क्यों नहीं सोचते हैं? नहीं नहीं, देखिए निश्चित रूप से वो भी एक सोचने का विषय है, लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहूँगा जो मल्टी लेवल पार्किंग चल रही है आप उस पर भी हम सोचें। हमारा जो वेस्ट टू मैनेजमेंट यहाँ चल रहा है खत्ते पर, जिसमें खाद बन रही है और गैस बन रही है, वो भी आप देखें वो भी चल रहा है। जहाँ पर 20 फुट जाकर एक पहाड़ गाजीपुर का कम हुआ है वो भी आपको बताना चाहिए। जैसे मैं पॉजिटिव बात, आपने कहा कुछ एक कमियाँ हैं जैसे ये वहाँ पर अनलोडिंग लोडिंग हो रही है ये है, तो निश्चित रूप से भी वो MCT के संज्ञान में उस पर भी पूरा का पूरा कार्रवाई का चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको जिम्मेदारी दी गई है विधानसभा की, आपको क्या लगता है कि कैसे कैंडिडेट को आप लोग उतारना चाहेंगे ताकि एक बार फिर चारों सीट पर भाजपा का कब्जा हो? 22 जितनी सारे सीट है उसमें चेंजेस हो गया है, रोटेशन के दायरे में आ गया है, जो महिला हैं वहां से पुरुष हो गए, जो पुरुष है वहां से महिला हो गए। तो क्या लगता है कि जो मौजूदा पार्षद है उनके, बहुत सारे लोग दावा पेश कर रहे हैं कि भाई उनकी पत्नी को दिया जाए, कई सारी कार्यकर्ता हैं, तो आपको क्या लगता है किन्हें मौका मिलना चाहिए? देखिए जहाँ भी हमारे पार्टी में बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार कार्यकर्ता हैं और बहुत ज़्यादा विनेबल कार्यकर्ता हैं। एक ईमानदार कार्यकर्ता जो मेहनती है, विनेबल है, उसको टिकट कृष्णानगर में या पूरी दिल्ली में पार्षद के रूप में दिया जाएगा। आपने कहा मेल फीमेल हो गई या फीमेल, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हर क्षेत्र में जहाँ फीमेल हुए हैं वहाँ फीमेल कार्यकर्ता बहुत हैं, जहाँ मेल हुए वहाँ मेल कार्यकर्ता। तो आप एक लाइन में बोलें तो एक ईमानदार मेहनती कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली में भी, नगर निगम में भी, MCD में भी केजरीवाल सरकार हो, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार फाइट दे सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में अच्छा रिजल्ट आया था आम आदमी पार्टी का भी? देखिए एक ही बात है उनके पास, केजरीवाल। MCD में पहले बात तो ये बताइए कि केजरीवाल आकर MCD चलाएंगे क्या? और कोई चेहरा नहीं, पहला। दूसरा आप दिल्ली सरकार के कामों को बताओ ना, पानी आ रहा है क्या? आप बताओ, एक घंटे आता है, बिजली 20 रुपये कमर्शियल की आती है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, आप फीडबैक लो जनता का। उसके अलावा उनका जो स्कूल्स हैं, उनके जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं या अस्पताल है, कोई नया बना क्या या दिल्ली का कोई डेवलपमेंट हुआ क्या जो फ्री का है? ढकोसला आप लोग समझ गए हैं हम। और शराब की दुकानें और गली खोल दी गई, आप मुझे बताओ ना किया क्या? अगर वो दिल्ली मॉडल है तो किया क्या? दिल्ली मॉडल तो फेल है। अगर आप बोल रहे हो वही MCD में आएगा तो MCD का सत्यानाश हो जाएगा। जनता आपको लगता है कि जैसे चार आपके भाजपा को वोट देगी, आपको क्या लगता है जो चार वार्ड है आप उसमें जीत हासिल करेंगे? चारों में जीतेंगे पक्का है। तो जैसे चारों में पहले जीते वैसे आप जीतेंगे, उससे ज़्यादा मतों से जीतेंगे, क्योंकि हमारे पॉजिटिव काम के लिए और दिल्ली सरकार के जो काम नहीं हुए उनके लिए। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर अनिल गोयल का साफ कहना है कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णानगर वार्ड की सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसी तर्ज पर इस बार भी कृष्णानगर वार्ड की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इनका कहना है कि दिल्ली सरकार की नाकामयाबी और भाजपा की कामयाब, जिस तरीके से काम किया है भाजपा ने नगर निगम में, उसका फायदा भाजपा को आगामी निगम चुनाव में होगा। SK सिन्हा के साथ मोनिफ खान, कृष्णानगर, दिल्ली।